कर रहे थे, बताओ लास्ट पॉइंट तक कौन सा क्या था आपका? ऑडियो वीडियो क्लियर है संकल्प? बताया मुझे ऑडियो वीडियो क्लियर है। हमने दो स्टेप्स कर लिए थे, थ्री स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, हम फोर्थ कर रहे थे। फोर्थ हमारा रनिंग में था, मैंने आपको बीट्स की और बीट साइड्स की डेफिनेशन लिखवाई थी। चलो आज हम वापस से आपका प्रोटेक्शन ऑफ बीट्स करते हैं, ठीक है? प्रोटेक्शन ऑफ बीट्स फोर्थ स्टेप हमारा करते हैं। फोर्थ स्टेप हमारा कौन सा है? प्रोटेक्शन फ्रॉम बीट्स, खरपतवार से क्या करना है, हमको बचाव करना है। वीड्स की डेफिनेशन लिखी थी, वो वापस लिख देता हूं। यहां से खरपतवार की परिभाषा, अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट डेट ग्रो, जो क्या करते थे, ग्रो करते हैं नेचुरली, कैट ग्रो नेचुरली विद क्रॉप, जो क्रॉप के साथ में क्या कर सकते हैं, ग्रो कर जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वीड्स कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। अब इसके अंदर हमने, मैं आपको वीडियो की, मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, ये लिखते थे साथ साथ में, द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स कॉल्ड वीडिंग, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, वीडिंग है, ठीक है? ऐसी प्रोसेस जिससे हम क्या करते हैं, वीड्स को रिमूव करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, वीडिंग कहेंगे, ठीक है? अब हम मेथड्स देखते हैं, किन किन मेथड्स से हम करते हैं, ये दो डेफिनेशन लिखिए आप, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। हम कैसे वीड्स को रिमूव करते हैं मैं आपको बता देता हूं। मैन्युअली का मतलब है हाथों से, क्या क्या प्रोसेस है उसकी, एक तो हम क्या कर सकते हैं, अपरूटिंग का मतलब है अपने हाथों से उसको उखाड़ के फेंक सकते हैं, अगर कहीं पे ऐसे बीज सूख जाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को उग जाते हैं, तो उनको अपने हाथों से हम उखाड़ सकते हैं, या फिर उसको कट कर सकते हैं, या फिर कटिंग से काट सकते हैं उसको हम बीड्स को, और हम क्या करेंगे, बाई यूजिंग सिकल एंड बाई यूजिंग सिकल, सिकल के अंदर दराती होता है, आप देखो काटने वाला, ठीक है? और क्या होता है, खुरपी होता है। आपके अगर बाई चांस बीड्स ग्रो कर जाती है प्लांट्स के साथ में, तो आप उसको कैसे रिमूव करोगे, वो आपको बताया होगा। एक तो है अप्रोटिंग, डायरेक्ट आप उसको काट दोगे, हाथों से उखाड़ लोगे, कट कर सकते हो, या फिर सिकल दराती से आप उसको काट सकते हो, खुरपी का आप यूज कर सकते हो, जिसके कि आपके होगी ये दूर हो जाएगी बीड्स। अब हम बात करते हैं केमिकल मेथड, कोई हम केमिकल छिड़क के हम क्या कर सकते हैं,
इस वीड्स को हम दूर कर सकते हैं, इसको हम छिड़केंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जिनको जो केमिकल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वीडिसाइड्स। क्या बोलते हैं, वीडिसाइड्स। इसके अंदर क्या दो केमिकल्स विच आर यूज टू किल वीड्स, विच आर यूज टू किल वीड्स आर कॉल्ड वीडिसाइड्स। खरपतवार नाशक कौन से होते हैं, ऐसे रसायन होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, खरपतवार को खत्म करने में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम वीडिसाइड्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसी मेथड जिसको हम क्या करें, ऐसे केमिकल जिनका हम यूज करते हैं वीडिसाइड्स को किल करने के लिए, वीड्स को किल करने के लिए, उसको हम बोलेंगे वीडिसाइड्स। इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है इसके 2,4-D। ये कैसा केमिकल है जो वीड्स को किल करने के काम में आता है, ऐसा केमिकल होता है आपका वीडिसाइड्स। ठीक है, आपने देखा होगा कि इसको क्या कहते हैं, केमिकल आता है और पाउडर के फॉर्म में, उसको क्या करते हैं वाटर के अंदर मिला के उसको सॉल्यूशन बनाया जाता है, सिलेंडर आपने देखा होगा स्प्रे करते हुए। ठीक है, वो स्प्रे करने से क्या होगा, वो वीड्स को तो नष्ट करेगा लेकिन वो थोड़ा सा हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो आपने देखा वो मास्क वगैरह लगा के स्प्रे कर रहे होते हैं, आपने जब भी देखा होगा। ठीक है, ये तो हो गए, हमने क्या पढ़ा, वीड्स की डेफिनेशन पढ़ ली, हमने मेथड्स ऑफ रिमूविंग वीड्स पढ़ लिए। ठीक है, अब जो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, वो हम देखते हैं एक लाइन आपको लिखनी है, बेस्ट टाइम टू रिमूव, बेस्ट टाइम टू रिमूव वीड्स। सबसे बढ़िया टाइम है बिफोर फ्लावरिंग, किसी भी क्रॉप के फूल आने से पहले अगर हम उसको कट कर दें तो वो आपका क्या रहेगा, बिल्कुल बेस्ट टाइम रहता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने वीड्स की पढ़ा था, आपको पूरा फोर्थ स्टेप वापिस से, यहाँ फोर्थ स्टेप कंप्लीट होता है, पूरा फोर्थ स्टेप वापिस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा वीड, वीड क्या होते हैं, वीड ऐसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो अपनी जो मेन क्रॉप होती है उसके साथ में नेचुरली ग्रो कर जाते हैं, हमने उसको ग्रो नहीं किया वो नेचुरली ग्रो कर देता है। फिर सेकेंड पॉइंट आया वीडिंग, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वीड्स को रिमूव करते हैं, वो आपकी होगी वीडिंग। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि हम वीड्स को रिमूव कैसे करें, हम मैनुअली यानी अपने हाथों से उसको रिमूव कर सकते हैं, या फिर उसको डायरेक्ट अप्रोटिंग उखाड़ के, या फिर कट करके, या फिर हम सिंगल दराती होती है, खुरपी होती है, उसको उससे भी हम कट कर सकते हैं। फिर हम केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स में पढ़ा वीडिसाइड्स, ऐसे केमिकल्स जो यूज करते हैं हम वीड्स को किल करने के लिए, वो आपके क्या कहलाते हैं, वीडिसाइड्स कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया 2,4-D, एक ऐसा केमिकल है जो वीडिसाइड्स के फॉर्म में यूज किया जाता है जिससे हम वीड्स को क्या करते हैं, किल करते हैं। फिर हमने पढ़ा बेस्ट टाइम टू रिमूव वीड्स, वीड्स को रिमूव करने का बेस्ट टाइम कौन सा है, बिफोर फ्लावरिंग, किसी भी क्रॉप के फ्लावर आने से पहले अगर हम उसको रिमूव कर दें तो आपका बेस्ट टाइम होता है स्टूडेंट्स। ये हमने फोर्थ स्टेप कंप्लीट कर लिया। तो अभी तक फर्स्ट स्टेप में क्या किया, सेकंड स्टेप में क्या किया, फोर्थ थर्ड स्टेप में क्या किया, फोर्थ स्टेप में क्या किया, तो आप मुझे थोड़ा सा बताइए स्टूडेंट्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने सोइल को प्रिपेयर किया, सेकंड स्टेप में हमने बीज लगा दिए, थर्ड स्टेप में हमने उसको जो जरूरी चीजें न्यूट्रिएंट्स के लिए जो चाहिए होता है, मैन्यूअल फर्टिलाइजर हमने वो डाल दिया। फिर स्टूडेंट्स हमने फोर्थ पॉइंट किया, हमने वीड्स को कट कर दिया। अब वीड्स को कट करने के बाद अब बारी है आपकी फसल की कटाई की, फसल की कटाई की। बहुत सारे फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं जब हार्वेस्टिंग होती है, फसल की कटाई यानी आपका जो सिक्स स्टेप होगा, इरिगेशन भी हो गया था, सॉरी फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट आपका ये है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, अब हम अपना सिक्स्थ पॉइंट करने जा रहे हैं। सिक्स्थ स्टेप, आपका सिक्स स्टेप हम करने जा रहे हैं। सिक्स स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, वो देखिए, सिक्स्थ
स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। अब हम फसल की क्या है कटाई करने के लिए, आपकी जो क्रॉप है वो रेडी है, उसकी हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है हार्वेस्टिंग, उसकी डेफिनेशन। द कटिंग ऑफ क्रॉप, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर, आफ्टर इट मैच्योर्स इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, हार्वेस्टिंग। क्या कहेंगे, हार्वेस्टिंग। जब आपकी फसल पक कर तैयार हो जाए, फिर उसको जब कट करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। आपको एक पॉइंट याद रखना है, सीरियल क्रॉप्स जो आपके अनाज वाले क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, उनकी कटाई कब होती है, कि 3 to 4 months टू ग्रो, उनको ग्रो होने में फिर उसकी कटाई कितने मंथ बाद होगी, 3 to 4 months होगी। स्टूडेंट्स सीरियल क्रॉप में 3 to 4 months टू ग्रो, ठीक है, तो ग्रो करने में 3 to 4 months लगते हैं। अब हम हार्वेस्टिंग कैसे करें, हमने पहले जो करा था वीड्स को कट करा था, अब हम इसको कट करें, अपनी फसल को कट करना है, ठीक है, उसको हम कैसे करें। एक तो अब मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग देखें हम वापिस, ठीक है, हम मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग देखें। अगर हम क्या करते हैं, मैन्युअली यानी वापिस अपने हाथों का यूज करते हैं, ठीक है, मैनुअली करते हैं, तो आप इससे कर सकते हो बाय सिकल, सिकल यानी दराती होती है, टूल होता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपनी फसल को कट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आप मशीन का यूज करो, तो एक मशीन होती है थ्रेशर, उससे भी आपकी क्रॉप की क्या होती है, हार्वेस्टिंग होती है, क्रॉप की कटाई होती है, ठीक है, मशीन से। अब इसके अंदर एक डेफिनेशन आती है थ्रेशिंग। अगर हम थ्रेशर से हार्वेस्टिंग करें, तब वो प्रोसेस क्या कहलाती है, थ्रेशिंग कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग grains from chaff is called threshing, उसको हम क्या कहते हैं, threshing कहते हैं। ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हमारे जो grains है, जो हमारा अनाज है, उसको हम chaff से, ठीक है, जो पार्ट हमें चाहिए होता है, जो बाकी जो पार्ट बच गया उसको बोलते हैं chaff से, अगर हम अलग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, threshing कहते हैं। स्टूडेंट्स एक डेफिनेशन और है आपके इसके अंदर हार्वेस्टिंग के अंदर, वो आप देख लेते हैं, लास्ट डेफिनेशन है हार्वेस्टिंग के अंदर। एक डेफिनेशन है विनोविंग, कौन सी है, विनोविंग डेफिनेशन, उसके अंदर क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग grain from chaff using wind is called winnowing। ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ग्रेन को अलग कर सकते हैं, किससे, शाफ से, किसकी हेल्प से, विनोविंग की, विंड की हेल्प से, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे विनोविंग, उसको हम क्या बोलेंगे, विनोविंग कहेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम विंड की हेल्प ले रहे हैं अपने ग्रेन्स को अलग करने के लिए शाफ से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विनोविंग कहेंगे। ओके,
सेशी किसको बोलेंगे, अगर हम उसको अलग कर रहे हैं हमारी ग्रेन को शाफ्ट से तो वो सिंपली क्या कहलाएगा आपका, सेशन कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, हम रिवाइज करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स पढ़ा हमने। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स के अंदर हमने क्या पढ़ा बताओ आप मुझे, क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा वीड्स के बारे में, वीडिंग के बारे में, वीडिंग हेड्स के बारे में, मेथड्स ऑफ रिमूविंग वीड्स के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा। हार्वेस्टिंग के बारे में जब हमने पढ़ा तो उसके अंदर हमने पढ़ा जब आपकी क्रॉप मैच्योर हो जाती है, जब उसको कट करने का टाइम आता है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। फिर इसके अंदर हमने भी मेथड्स देखे हार्वेस्टिंग के, हार्वेस्टिंग के मेथड्स हमने देखे, तो हमने देखा कि हम बाइसिकल से यूज करते हैं, हम थ्रेशर का यूज करते हैं, अगर हम थ्रेशर का यूज करते हो तब उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग, ग्रेन को अगर शार्प से उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। और उसके बाद में हम बात करें विनोविंग की, ठीक है, हम बात करें अगर विनोविंग, ठीक है, विनोविंग के अंदर अगर हम विंड का यूज करते हैं हमारी ग्रेन को शार्प से अलग करने के लिए तो आपका क्या कहलाता है, आपका विनोविंग कहलाता है। लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं स्टोरेज, कौन सा स्टूडेंट, स्टोरेज। पहले मैं लिख दूं फिर आपको समझा दूं। द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, इसे हमें लंबे समय तक लेके अलग से तो कटाई करके हमें ग्रेन मिलती है, हमें लंबे समय तक रखना पड़ता है। तो उसे आपको सेफ रखना होगा, सेफ फ्रॉम मॉइस्चर से आपको उसको सेफ रखना होगा, इंसेक्ट से सेफ रखना होगा और रैट से एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसी को हम क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ कीपिंग, द प्रोसेस ऑफ कीपिंग हार्वेस्टेड ग्रेन्स, द प्रोसेस ऑफ कीपिंग हार्वेस्टेड ग्रेन्स परफेक्टली सेव इज कॉल्ड स्टोरेज, इज कॉल्ड स्टोरेज। जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होती है उसे हमें लंबे समय तक रखना पड़ता है, सो दे शुड बी सेव फ्रॉम, तो हमें किस किस से बचाना है अपनी क्रॉप को, मॉइस्चर से, नमी से, इंसेक्ट से बचाना है, रेट से बचाना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज कहते हैं। जब हम क्या करते हैं हमारी कटिंग फसल को हम परफेक्टली सेफ रखते हैं उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम स्टोरेज कहते हैं। तो आपको हमेशा देखो आपने माना बहुत अच्छे से अपने अपने क्रॉप की हार्वेस्टिंग तक अपने मानो सिक्स स्टेप्स बहुत अच्छे से कर लिए, ठीक है, लेकिन आपको आपको क्रॉप को सेफ तो रखना पड़ेगा ना। तो आपको आपकी क्रॉप को सेफ रखने के लिए आपको उसको मॉइस्चर से बचाना पड़ेगा, उसको इंसेक्ट से बचाना पड़ेगा, उसको रैट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे आपको बचाना पड़ेगा उसको। तो उसी बचाने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर जो है इस चैप्टर के जो 7 स्टेप्स थे वो आज कंप्लीट हो गए फाइनली, ठीक है, काफी 3-4 लेक्चर्स थे इसको कंप्लीट होने में, तो 7 स्टेप्स के आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। मिलते हैं स्टूडेंट्स न्यू टॉपिक के साथ में इसी चैप्टर के, अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए, इसके चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक है, जितना आपको करवाया बोर्ड पे उसको राइट डाउन करते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।